कई बार ऐसा हुआ है कि भूखा सोया हूँ, कई बार नहीं मतलब ये कई 6-6 महीने तक ऐसा समय रहा है मेरे साथ। मैं ओपन बोलता हूँ, एक नहीं अगर 10-20 भी बेटियाँ किसी कोई फेंकने वाले हो तो कृपया करके, मैं हाथ जोड़ कर बोलता हूँ, आप वो बेटी मुझे दे दो, मैं उन्हें भरपूर प्यार दूंगा। लेकिन हाँ, मुंबई जब मैं आया तो धीरे 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 यहाँ पर स्ट्रगल करता रहा और काम मिलना मुश्किल था, तो उन दिनों मैं बहुत बुरे वक्त से गुजरा हूँ। लोग कहते हैं ना, आसमान में सुराख नहीं होता यारो, तबीयत से पत्थर तो छालो यारो। नमस्कार, मैं हूँ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं UNN। हमारे साथ आज बात करने के लिए ऐसे शख्सियत हैं जिन पर ये लाइन सूट करता है। उनका कद बेशक छोटा है, लेकिन उनके कारनामे बाकी कदों से काफी बड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं KK गोस्वामी जी का, जिनका स्वागत करते हैं हमारा चैनल यूट्यूब पर। सर, आपका स्वागत। थैंक यू, नमस्कार। UANN के सभी दर्शकों को KK गोस्वामी का प्यार भरा नमस्कार। आज सर हम किसी फिल्म पे बात करने नहीं आए हैं, आज हम बात करना चाहते हैं आपकी जो रियल लाइफ फिल्म है, मतलब आपकी कहानी, जो आई थिंक सिर्फ मुझे नहीं लाखों करोड़ों को प्रेरित करता है, जो आपके लिए एक चैलेंज है। तो इसकी शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। सर, आप कहाँ से हैं? मैं बिहार का हूँ, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से हैं, लेकिन आपकी शुरुआती दौर आपने बॉलीवुड में आया। मैं आपकी काफ़ी सीरियल्स देखी हूँ, जैसे थाश कोई है, विक्रम बेताल, शक्तिमान, लाइक काफ़ी, और आई थिंक एक सब चैनल का भी शो था गुटर गो। कैसे सोचा भोजपुरी इंडस्ट्री? भोजपुरी एक्चुअल जो मेरी शुरुआत हुई वो भोजपुरी से ही हुई है। मेरी पहली फिल्म रखिया लाज अचरवा के, जिसके डायरेक्टर हैं कुमार विकल जी, और उसके बाद मैंने 3-4 और भी भोजपुरी फिल्में किया बिहार में, भले उसमें छोटे छोटे रोल होते थे मेरे, लेकिन बाद में 4 फिल्म के बाद में मुंबई आ गया। हमारे एक भोजपुरी के उन दिनों बहुत बड़े विलेन होते थे, मतलब यूं कहा जाए कि उन दिनों के अमरीश पुरी कहे जाते थे वो, उनका नाम है विजय खड़े जी। मैं उनकी उंगली पकड़ के मुंबई आ गया, और उसके बाद जो स्ट्रगल सबका होता है वैसा ही स्ट्रगल। मैं कहूँ तो सर की फिल्मी करियर के बारे में आप आसानी से विकिपीडिया पे पढ़ सकते हैं, वहाँ पे लिखा है सर कब आए मुंबई, कैसा रहा। लेकिन आज हम वो जानने आए हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। एक वक्त था कि सर के घर में खाने की भी थी, मतलब ऐसा कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था सर के, लेकिन एक टाइम था कि इतनी गरीबी थी कि खाने को भी सही से आपका नहीं हो पाता था। जी, जब मैं यहाँ आया था स्ट्रगल करने के लिए तो काम तो वैसे ही नहीं मिलता था, और काम मिलना इतना आसान नहीं है मुंबई में और फिल्मों में। वैसे तो हर कोई फिल्म में ही काम करने का सपना देखता है, लेकिन ये सपना पूरा होना इतना आसान नहीं है। और घर में खाने की बात जो, मतलब बिहार में तो सब ठीक ठाक ही था, जब तक मैं वहाँ था तब तक मैं अच्छा खाता पीता परिवार से ठीक था, लेकिन हाँ, मुंबई जब मैं आया तो धीरे 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 यहाँ पर स्ट्रगल करता रहा और काम मिलना मुश्किल था, तो उन दिनों मैं बहुत बुरे वक्त से गुजरा हूँ। कई बार ऐसा हुआ है कि भूखा सोया हूँ, कई बार नहीं मतलब ये कई 6-6 महीने तक ऐसा समय रहा है मेरे साथ कि कभी एक दिन खा लिया तो 2-3 दिन तक खाना नसीब नहीं होता था। और ऐसा नहीं था कि पॉकेट में पैसे नहीं थे, पैसे थोड़े बहुत होते थे, लेकिन मुझे आगे का कोई काम दिखता नहीं था, तो मैं जो थोड़ा बहुत पैसा होता था तो उसको मैं संभाल कर रखता था, इसलिए मैं कभी 2 दिन पर खाता, कभी 1 दिन पर खाता। बाकी दिन कैसे पानी पीकर चलता था? पानी पी लेता, और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि रात को पानी देख करके उल्टी आने लगती थी, कि इतना, मतलब सुबह में सोचता था कि दोपहर में खा लूँगा, दोपहर में सोचता था शाम को खा लूँगा, फिर शाम को सोचता था अच्छा अब तो रात हो गई है, कल सुबह खाऊंगा तो चल जाएगा, और पानी पीकर सो जाते थे। जब रात में 2-3 बजे उठता तो पानी देखता और फिर पानी पीने जाता, भूख लगती तो पानी को देख करके उल्टियाँ जैसी होती थी, ओ, ओ, खाई आती थी।
लेकिन सुबह उठ के फिर मैं नहा धोकर के फ्रेश होकर के कुछ खा लेता था। हाँ, बैठ के हम लोग बात करते हैं क्योंकि कहानी बहुत लंबी है, तो हमें नहीं लगता हम लोग खड़े होकर बात करते रहेंगे। मेरे माइंड में एक सवाल है कि लाइक आप अपने फैमिली में इकलौते थे जो छोटे थे, कि आपके अलावा भी कोई था? नहीं, मेरा एक जो सबसे छोटा भाई है वो भी शॉर्ट हाइटेड है, लेकिन उसका बहुत अच्छा दुकान, जो स्टूडियो पहले मैं चलाता था बाद में वो स्टूडियो चलाता था, और उसकी कॉस्मेटिक्स की दुकान भी है। लेकिन इन दिनों हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने उसको भी बोला कि तुम भी आ जाओ, के गोस्वामी की तरह तुम भी बन जाओगे, और उसको भी हमारे कुछ दोस्तों ने मुंबई बुला लिया है, और इन दिनों वो भी स्ट्रगलर बन गया। हालांकि मैंने मना किया था कि इतना भी आसान नहीं है, और तो आ करके अभी स्ट्रगल तो कर रहा है, काम वो भी कर रहा है, लेकिन फिर भी जो हमारा दुकान था वो ज़्यादा बेहतर था, वहाँ पर हम अच्छा खासा अर्न कर लेते थे, और मेरा भाई भी मुझसे ज़्यादा अर्न करता है और कमाता था। पर इन दिनों मैंने 12th तक पढ़ाई किया वहीं मुजफ्फरपुर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कॉलेज से, और स्कूलिंग हुई है मेरी RC हाई स्कूल बीरपुर और मिडिल स्कूल ब्रह्मपुरा, कई जगह मेरा पढ़ाई हुआ है। मतलब बचपन से ही था कि इस लाइन में आना है, कि बस जीने के लिए यहाँ पे आए? नहीं, बचपन से ये नहीं था, बचपन से मेरे पिताजी पहले जो गांव में ड्रामा होता था नाटक, उसमें पिताजी डायरेक्टर होते थे, तो मैं उनके साथ जब भी रिहर्सल होता था उनके नाटक का, तो मैं उनके साथ बैठता था और उन लोगों का नाटक देखता, रिहर्सल देखता, तो हाँ ये एक्टिंग की कीड़ा वहीं से लगी हुई थी, और मैं भी नाटक में कोई ना कोई रोल करता था उनके साथ। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिल्म लाइन में जाऊँगा, मैं तो पढ़ाई कर रहा था, और पढ़ाई के ही दौरान मुझे कुमार विकल जी से मुलाकात हुई और मैं इधर मुंबई आ गया। एक आपके बारे में सुना है, पता नहीं सच है कि नहीं, कि आपको सर्कस वाले खरीदने गए थे और शायद 50,000 देने को भी तैयार थे, इसमें कितनी सच्चाई है? उन दिनों 50,000 बहुत बड़ी रकम होती थी, ये मैं जब मैं 7th-8th में पढ़ता होऊंगा या उससे भी छोटा होऊंगा, तो एक हरदी मोतीपुर के जगह, मोतीपुर एक छोटा शहर है मुजफ्फरपुर के पास, वहाँ से हरदी एक मेला लगता है, हरदी एक जगह का नाम है, वहाँ पर सर्कस वाले भी आते थे, तो मेरे पिताजी भी दुकान लगाए थे, मैं पिताजी के साथ गया था, तो मैं घूम रहा था तो देखा कि सर्कस है, सर्कस में चला गया, तो सर्कस वालों ने मुझे फॉलो किया, मेरे पिताजी को आकर के बोले कि आपका बेटा आप मुझे दे दो, तो बोले हम बहुत प्यार करते हैं, हम नहीं देंगे, तो बोले हम लोग भी बहुत प्यार करेंगे और हम लोग सर्कस में इनको रखेंगे, ये इनको यहीं पर पढ़ाएंगे, इनको सिखाएंगे, तो वो 50,000 दे रहे थे उन दिनों, जबकि आज का देखा जाए तो 50,000 मतलब उस टाइम 50,000 उससे भी ज़्यादा, क्योंकि ये बात होगी जब मैं 7th में रहा होऊंगा तो 30-35 साल पुरानी बात होगी, ये मैं बच्चा था जी, तो हाँ 50,000 रुपया मेरे पिताजी को दे रहे थे। मेरे पिताजी ने कहा मुझे पैसों की नहीं लालच नहीं है, मैं अपने बेटे को अपने साथ ही रखूँगा, पढ़ा लिखा करके जो भी इसके भाग में होगा वो बनेगा। पापा ने साथ दिया, मतलब सच में ये काफ़ी ताली हुआ, मतलब कहा जाता अप्रिशिएटिंग है, अगर वो चाहते तो कह सकते थे बेटा जाओ काम करो, और माँ माँ और बाबूजी मेरे लिए भगवान के जैसे हैं, और जब तक वो थे तब तक मैंने उनको जी हाँ 7th में ही रहे होंगे, और मेरे माँ बाबूजी को मैं बहुत मानता हूँ, और मैं आपके UNN के दर्शकों को और पूरे भारतवासी को हर किसी को बोलता हूँ कि जब तक आपके माँ बाबूजी जिंदा हैं आपको मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर में ही जिंदा भगवान है, आप उनकी सुनिए, उनकी पूजा कीजिए, वही सब कुछ है, मैं भी अपने माँ बाबूजी को भगवान ही मानता हूँ। और आज सर का खुद का एक बेटा है, और वो भी मुझे पता है वो भी आपको वही दर्जा देता है जो आप अपने बेटे। जी जी, मेरे दो बेटे हैं, एक नवदीप है जो 12th में है अभी, दूसरा जी सच
फर्स्ट मैं ये तो नहीं कहूँगी, मैं जब से आपको देख रही हूँ आप वैसे ही हैं, और जब मैं पता चला कि मैं आपसे मिलने वाली हूँ तो मैं आपके बारे में पढ़ना शुरू की, तो आई एम श्योर मुझे ये तो पता था कि आपकी शादी हो गई है, बट ये नहीं पता था कि इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, एक 12th में है, दूसरा 7th में है, दोनों में 5 साल का गैप है, और बेटी गोद लेना चाहता हूँ, लेकिन वैसी बेटी लोग ऐसे फेंक देते हैं या कहीं, मैं ओपन बोलता हूँ, एक नहीं अगर 10-20 भी बेटियाँ किसी कोई फेंकने वाले हो तो कृपया करके मैं हाथ जोड़कर बोलता हूँ आप वो बेटी मुझे दे दो, मैं उन्हें भरपूर प्यार दूंगा, और बेटी का बाप होना सौभाग्य की बात है, दुर्भाग्य की नहीं। लोग बेटियाँ मतलब बेटी तो आपको स्वर्ग तक पहुंचाती है, बेटी है तो सब कुछ। बड़ी बात बोली कि जो लोग बेटी होने पे फेंक देते हैं, अब तो चीज़ें धीरे धीरे कम हो गई है, लेकिन आज भी अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो सर का कहना है कि मुझे दे दो, फेंको मत। बिल्कुल फेंको मत, और फेंकते क्यों हैं यार, बेटी बेटा अभी मैं हूँ या कोई भी है, आपका बेटा शादी करके अपनी पत्नी की सुनता है, लेकिन आपकी बेटी अपने पति को आप तक लेकर आती है। बहुत सारी कहानियां हैं बेटी के बारे में मेरे पास, बहुत सारे तजुर्बा देखा है मैंने, सुना है मैंने, पढ़ा है। बेटी अगर मतलब वो दुर्भाग्य व्यक्ति होगा उसके मतलब बदनसीब होगा जिसके घर में बेटी नहीं होगी, उसमें से मैं हूँ एक, मेरे को बेटी चाहिए, मेरे पास दोनों बेटे हुए, कहीं तीसरा भी बेटा ना हो जाए इसलिए मैंने रोका। म्यूजिक डायरेक्टर और बहुत पॉजिटिव माइंडेड, और भगवान का एक हमारे लिए दूसरा रूप है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और फिर उनके यहाँ हम रोज़ जाकर बैठते थे, और उनसे मिलने जो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर आते थे, बुकारिया साहब, प्रकाश मेहरा, बप्पी दादा के यहाँ मुझे एक छोटू भाई पूर्णिया वाला थे जो कटिहार पूर्णिया के एक डायरेक्टर थे, उन्होंने 2-3 फिल्में बनाई थी, मुझे नाम तो याद नहीं है, जब मैं मुंबई नहीं आया था तभी, तो वो बोले चलो मैं तुमको दादा से एक बप्पी लड़ी जी हैं उनका मैं ये रिकॉर्डिंग है उनसे मैं मिलवा देता हूँ, तो वहाँ लेकर गए। उसके बाद में उन्होंने दादा से मिलवाया, दादा बोले तुम कल आके हमको मिलो, तो दूसरे दिन जब मैं दादा को मिलने गया उसके बाद दादा ने मुझे एकदम अपने बेटे की तरह रखा, और जितना दादा शो करते थे स्टेज शो परफॉर्म वगैरह, तो दादा गाना गाते थे तम्मा तम्मा लोगे, उनकी बेटी भी गाती थी, और मैं संजय दत्त बन के डांस करता था यस स्टेज पर, और उनका बेटा जो बप्पा लहरी है वो ड्रम बजाते थे, तो हम उस परिवार के एक मैं भी एक हिस्सा बन गया था, और दादा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, कई फिल्मों में दादा ने काम दिलवाया, और स्टेज पर तो हर जगह वो मुझे लेकर जाते थे, तो मेरे गॉडफादर देखा जाए तो एक नहीं है, हर आदमी ने जितने लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है जिनसे आप मिले उन्होंने आपका साथ सब मेरा गॉडफादर है, चाहे कुमार विकल जी हो, चाहे विजय खड़े जी हो, चाहे बप्पी लहरी जी हो, चाहे सुनील अग्निहोत्री जी,
जिन्होंने चंद्रकांता सीरियल बहुत हिट सीरियल दिया था, फिर उनके साथ बिल्कुल उनके साथ मैंने किया बेताल पचीसी, उन वो भी बहुत लंबा चला। फिर धीरज कुमार जी का एक सीरियल था कुछ भी हो सकता है, उसमें मुझे गबरू दादा बनाया गया था और बहुत बढ़िया एंट्री हुई थी मेरी। और उनकी जो पत्नी है जूबी कोचर जी, जूबी जी ने मुझे भाई बनाया, तो मेरे गॉडफादर एक ये भी हैं। मेरे गॉडफादर सब हैं, सब ने मुझे जितने लोगों ने सपोर्ट किया सबका मैं धन्यवाद करता हूँ आप सब मेरे। के गोस्वामी को के गोस्वामी बनवाने वाले काफ़ी हाथ हैं, लेकिन सबसे पहला हाथ अगर किसी का होगा तो वो आपके मम्मी पापा का होगा, जो आपके हाइट का उन्होंने आपको पॉजिटिव वेव में दिखाया और आपने भी उसको पॉजिटिव वेव में लिया। जहाँ तक बॉलीवुड की बात की जाए इंडस्ट्री की, तो सब लोग सोचते हैं सुंदर होना चाहिए, हाइट होना चाहिए, स्लिम होना चाहिए। उस टाइम आपने जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक हाइट जो छोटी हाइट थी उसको लेकर आए और अब इस वक्त के गोस्वामी है, मतलब नाम लिखने की देरी है और उसकी पूरी हिस्ट्री आ जाती है, हर कोई जानता है, हर कोई मिलना चाहता है, कैसा लगता है? अच्छा लगता है, और ये बात सही है कि स्ट्रगल तो बहुत है, लेकिन वही आपने कहा कि दिल्ली दूर नहीं है, चलना तो शुरू करो। और बहुत अच्छा आपने शुरू किया था कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। पर यह भी है कि जैसा सब बोलते हैं, जैसा मैंने कहा या मेरे बारे में लोग पढ़ेंगे या ये आपका न्यूज़ देखकर बोलेंगे कि अरे बहुत आसान है, तो ये भी सही है कि इतना भी आसान नहीं है। तबीयत से हर कोई पत्थर उछालता है, लेकिन माँ बाप का जिसके साथ आशीर्वाद होता है वही कामयाबी पाता है। और सुंदर होना ज़रूरी है लेकिन बहुत ज़रूरी नहीं है, आप अच्छे एक्टर होना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा अच्छा ज़रूरी है, उस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका अच्छा इंसान होना। आप अच्छे इंसान हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आप अच्छे इंसान हैं तो आप अच्छे एक्टर होंगे, आप अच्छे एक्टर हैं तो आप अच्छे माँ बाप और दुनिया को समझने वाले होंगे। अगर आप अच्छे से माँ बाप को समझते हैं तो भगवान को आप समझते हैं, और भगवान को आप समझते हैं तो आप हिट हैं। आज आप हिट हैं।